हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ मी योर मैथ्स एंड साइंस टीचर ओके तो लेसन एट करवाने जा रही हूँ मैं आपको फोर्थ क्लास का विच इज़ एनर्जी अब इसका जम इसके दो हाइलाइट्स हैं विच इज़ एनर्जी एंड टाइप्स एंड उसके सोर्सेज और दूसरा है कन्वर्सेश कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है उसको कंजर्व कैसे करना है तो हम बात स्टार्ट करते हैं जंप स्टार्ट से चूज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सबस्टांस देखो वी शुड ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अवर बॉडी क्या देते हैं बॉडी को एनर्जी देते हैं ठीक है और बटर शुगर एंड पोटैटो आर एनर्जी गिविंग फूड्स माइक्रोवेव ओव यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कुक फूड इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं हम इसको सोलर कुकर के लिए हमें सन की ज़रूरत होती है तो कुक फूड रात को हम सोलर कुकर को नहीं चला सकते ठीक है अब है एनर्जी टाइप्स एंड रिसोर्सेज वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स वर्क इज देन ये तो हमने लास्ट लेसन में किया है कि जब फोर्स अप्लाई होती है किसी चीज़ पर और वो थोड़ा सा भी मूव करेगा तो वो वर्क क्या होगा डन होगा ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी टू अप्लाई फोर्स अब फोर्स को अप्लाई करने के लिए तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है ना इन अदर वर्ड्स वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट यूजिंग एनर्जी दस एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन वी यूज़ फोर्स ऑन अ टेबल टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक टेबल को इधर से उधर कर रहे हैं अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें मस्कुलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ठीक है वंस द टेबल मूव्स द वर्क इज डन अगर टेबल मूव हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा डन हो जाएगा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अवर एनवायरमेंट द टू मेन हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल ठीक है लुक एट द पिक्चर द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल विद अ बोल बोल के साथ खड़ा है द बोल हैज स्टोर्ड एनर्जी ठीक है इट हैज़ द पोटेंशियल टू मूव उसके पास पोटेंशियल है मूव करने के लिए द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन जब पोजिशन पे बात आती है एक एनर्जी पोजेस्ट करती है बॉडी पे उसकी पोजिशन को लेके जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की लुक एट द पिक्चर जब उसने यू कैन सी द बॉल रोलिंग डाउन द हिल ठीक है उसकी मो, वो मू मूव करी है और उसकी मोशन में उसकी पोजीशन में अब उसका उसके वो मूव कर रही है उसके अंदर मोशन आ चुका है तब हम उस चीज़ को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जब तक वो एक चीज़ खड़ी है वो अपनी एक पोजीशन पे खड़ी है तब तक तो उस पर जो एनर्जी लग रही है विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी और जब तक जब वो मोशन में आ गई यानी कि मूव कर गई तो वो जो एनर्जी लगी है उसके ऊपर ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ओके अस टेक अनदर एग्जांपल प्लेस अ वुडन कॉइन ऑन अ कैरम कैरम की बात कर रहे हैं विद अ स्ट्राइकर ठीक है यू विल ऑब्जर्व दैट कॉइन मूव्स फॉरवर्ड इन दिस एग्ज़ाम्पल कोइन हैज काइनेटिक एनर्जी जब आप कोइन को मूव करते हैं तो क्या होता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी लगती है और दोनों का जो सम रहेगा यानी पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का जो सम रहेगा वो रहेगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी विंड एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं अब हम है बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या सोर्सेज हैं फर्स्ट हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सन सन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है हीट मिलती है फिर बात करेंगे हम वाइंड की फिर करेंगे वाटर की द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी ठीक है प्लांट यूज दिस टू प्रिपेयर फूड जैसे फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इस एनर्जी के थ्रू व्हेन एनिमल्स ईट फूड दिस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल मकैनिकल एनर्जी मकैनिकल एनर्जी अस टू वॉक रन क्लाइंब परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़ सोलर एनर्जी हैज़ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इन दोनों सोलर एनर्जी में क्या होते हैं हीट होती है और लाइट होती है जैसे सन में होती है सोलर एनर्जी कैन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकती है जैसे हम सोलर कुकर चलाएंगे सन के थ्रू तो वो सोलर कुकर चलाएंगे वहाँ सोलर एनर्जी लगेगी लेकिन जो अगर हमें यूज कर हम क्या कर सकते हैं उसी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं अब बात कर रहे हैं वाइंड की मूविंग एयर इज कोल्ड ना वाइंड हमें पता है और ये क्या करती है सेल बोट्स यानी कि काइट को फ्लाई करने में बोट्स को पानी में चलाने में ये सब में हेल्प करती है विच इज़ कोल्ड वाइंड एनर्जी इट इज़ यूज फॉर रनिंग वाइंड मिल्स जैसे ये आपको दिखा रहे हैं ये चलाने के काम आती है इसमें क्या होता है कि जनरेट करती है ये इलेक्ट्रिसिटी ओके okay? अब बात कर रहे हैं वाटर की वाटर से भी एनर्जी मिलती है वो भी बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी बिल्ट डैम्स ओवर द रिवर जो डैम बनाते हैं हम उन वो किससे बनाते हैं एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है टर्बाइंस बनाते हैं बड़े बड़े और टर्बाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ठीक है आगे फ्यूल सर्टेन सब्सटेंस हैज़ वेरी हाई एनर्जी टू स्टोर टू दैम वुड कोल पेट्रोल ये है नेचुरल गैस कैरोसिन हमारी क्या है अदर फ्यू सब्सटेंस है हीट एनर्जी कह सकते हैं हम जिसको जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलती है ठीक है फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन बर्निंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर लाइटिंग बल्ब ट्यूबलाइट्स एंड रनिंग इलेक्ट्रिक सच एज जैसे ये सारी चीज़ आप जो चलाते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू चलाते हो ना ऐसी तो नहीं चल जाता स्विच लगाना पड़ता है हमें इलेक्ट्रिकल काम करना पड़ता है ठीक है जितने भी आप इलेक्ट्रिकल चीज़ें चलाओगे वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है ठीक है अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे कंजर्व करेंगे इसको से, कैसे सेव करेंगे एवरी डे वी यूज एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच है हीटिंग वॉटर कुकिंग फूड मूविंग फ्रॉम वन अनदर वन प्लेस टू अनदर लाइटिंग बल्ब फ्यूल्स यूज करते हैं हम सब कुछ यूज करते हैं अब इसको सेव कैसे करना है ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम पे ना चलाओ लाइट है ना डो नॉट स्विच ऑन लाइट ड्यूरिंग द डे ओपन कर लो विंडोज एंड डोर्स को सन लाइट को आने दो स्विच ऑफ लाइट फैंस अदर इलेक्ट्रिक वैन नॉट इन यूज जब यूज ना हो तो ये सब कुछ बंद कर दो ट्रैवल करो शॉर्ट डिस्टेंस इन अ कार और अ मोटरसाइकिल वॉक और राइड मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको एक छो, अगर छोटे डिस्टेंस पे जाना है तो वॉक करके जाओ बाइसिकल पे जाओ यूज़ करो उसको पेट्रोल बचाओ यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सेफ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो यूज सोलर कुकर टू कुक फूड सोलर कुकर का यूज़ करो अल्टरनेटिव एनर्जी सोलर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ये सब हैं वाइंड एनर्जी हेल्प करती है कंजर्व अदर नॉन न्यूटल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोल ठीक है आगे आपका बुक पार्ट है और क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको भेज दिए जाएंगे इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड आउट करना ठीक है थैंक यू बी सेफ एंड बी हेल्दी